गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर समान अधिकार पार्टी ने प्रदर्शन किया। समान अधिकार पार्टी का कहना था कि जब तक संघर्ष नहीं किया जाएगा तब तक गौमाता राष्ट्रमाता नहीं बन सकती है। गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने की मांग को लेकर समान अधिकार पार्टी संघर्ष कर रही है। समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, बड़ी संख्या में समान अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जुटे थे। समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके लिए अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी गौ माता राष्ट्रीय गौ माता बन सकती है। आज समान अधिकार पार्टी का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जा रहा है आगरा के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और समान अधिकार पार्टी ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए पहले भी कई बार प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिया है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं इसके बावजूद भी 1,00,000 गाय रोज स्वतंत्र काटी जाती है, कोई राजनीतिक दल देश का बोलने को तैयार नहीं है, कोई धर्माचार कोई भगवताचार सड़क पर नहीं आ रहा है, केवल समाज कार पार्टी गौ माता को राष्ट्र पशु यानी राष्ट्र माता घोषित कराने की लड़ाई लड़ रही है, और सड़कों पर उतर कर हम हिंदू राष्ट्र की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भगवताचार संत लोग मठ में बैठकर या प्रवचन देकर कथा के माध्यम से अपने आप को ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ऐसे नहीं बनेगा, सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेंगी, तब जाके हिंदू राष्ट्र घोषित बनेगा और गौ माता को राष्ट्र माता यानी राष्ट्रपति का दर्जा मिलेगा। तमाम साधु संत समाज सेवी संगठन गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से ये मांग की जा रही है, मांग कब तक पूरी होगी फिलहाल कुछ पता नहीं है, लेकिन जब आंदोलन चलता है उसका असर भी दिखाई देता है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।